क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर वन और क्वेश्चन नंबर थ्री अब सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन हमारे पास द लेंथ ऑफ ए पेंडोलम इज 100 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल इज 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडोलम। हमें दो चीजें गिवन है, हमें गिवन है लेंथ पेंडोलम की और हमें फ्री फॉल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है टाइम पीरियड के अंदर। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जो चीजें हमें गिवन है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन है लेंथ ऑफ द पेंडोलम, लेंथ ऑफ पेंडोलम दिस इज इक्वल टू, अब आपके पास जो लेंथ है वो है 100 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये जो प्लस माइनस 0.1 की बात है ये अनसर्टेनिटी है इसके अंदर, तो हम निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ दिस विल बी इक्वल टू डेल एल ओवर एल इनटू 100, इट विल बी इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 and it will be equal to 0.1 centimeter. This is percentage uncertainty in length. Now we will find percentage uncertainty in free fall acceleration. Free percentage uncertainty in g, that will be equal to del g over g multiplied by 100 and it will be equal to del g aapke paas aata hai 0.1 divided by g 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.1 डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100 1.02%। ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई दोनों की। अब हमने टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है किसके अंदर, टाइम पीरियड के अंदर। हमें पता है कि टाइम पीरियड की जो फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है, यानी कि एल और जी के ऊपर पावर है 1/2। तो हमारे पास आएगी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी विल बी इक्वल टू, ये दोनों हम ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर के साथ, 0.1 प्लस 1.02 मल्टीप्लाई बाय पावर, पावर यहां पे 1/2 है, तो हमारे पास आ जाएगा 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इट विल बी इक्वल टू 0.56। दिस इज आवर परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। ये हमारा आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व हो गया है। अब और क्वेश्चन नंबर फोर है और इससे पहले तीन क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और यकीनन आपको समझ आए होंगे और कोशिश करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आए और आप घरों में बैठ के एंजॉय भी कर रहे होंगे और इसके साथ साथ थोड़ा सा फिजिक्स को भी देख लें ताकि प्रॉब्लम ना हो ना आपको, ठीक है ना। और मुझे तो खैर प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मेरा मार्कर गिर गया है, इस वजह से बैरल करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फोर है, थ्योरी सजेस्ट दैट ड्रैग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, एवरेज रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट and velocity of the object moving through the fluid. Derive a formula for dragging force of fluid by using dimensional analysis. और यहाँ पे हमने जो है वो take dimension of viscosity is this, कि हमने find करने एक formula, derive करने हमने formula, जो कि हमें चीजें given है कि जो force है हमारी वो depend करती है viscosity of the medium, यानी जिस medium में से वो pass करेगी body, तो उसकी viscosity पे depend करेगी drag force, और फिर डिपेंड करेगी एवरेज रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है उसके रेडियस के ऊपर, और फिर उसके बाद है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, किस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट हमारा फ्लूइड में से पास हो रहा है, तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। तो हमने एक फॉर्मूला फाइंड करना है डायमेंशनल एनालिसिस से, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज दैट एफ ड्रैग, ये हमारी ड्रैग फोर्स है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट डिपेंड अपॉन viscosity of the medium. Viscosity medium हम ईटा से डिनोट करते हैं, पावर ए, हमें पावर का नहीं पता कि इस पे डिपेंड करती है। फिर दूसरी बात जो हमें, इसको हम इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं। फिर हमारे पास जो है वो डिपेंड करती है एवरेज रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर पावर बी ले लेते हैं,
इक्वेशन टू, एफ डी डिपेंड करती है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी पावर सी हम कर लेते हैं, तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास बन जाती हैं। इन तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है एफ डी इज इक्वल टू या ईटा ए आर बी वी सी। तो एफ डी इज इक्वल टू, हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो के ईटा ए आर बी वी पावर सी। अब हम यूं करते हैं कि इनकी डायमेंशन दोनों तरफ, डायमेंशन इन दोनों तरफ जो क्वांटिटीज हैं उनकी, उनको बेस क्वांटिटीज में लिखते हैं, उनकी डायमेंशन की लिखते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स होती है उसकी डायमेंशन जो आएगी, एफ इज इक्वल टू एम ए एम इन टू एल टी माइनस टू। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो होगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर फॉर लेंथ पर सेकंड स्क्वायर फॉर टी, टी ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एम एल टी माइनस टू। ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा ईटा, ईटा की पावर, हमारे ईटा की डायमेंशन ऑलरेडी गिवन है, वो है हमारे पास एम एल टी माइनस वन, एल के साथ भी माइनस वन है, पावर ए आर लेंथ है तो एल पावर बी, वेलोसिटी हमारे पास उसकी डायमेंशन है जी लेंथ पर सेकेंड होता है, तो एल टी माइनस वन पावर सी हो जाएगा। अब हम इनको कंबाइन करते हैं, हमारे पास आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, यस एम एल टी माइनस टू, एंड देन आगे हम चलेंगे तो हमारे पास आएगा एम ए की हमारे पास, तो एम ऐसे ही रहेगा एज इट इज, एम अकेला होगा। एल हमारे पास कितने हैं, एल माइनस वन है, और जब हम इसको ए की पावर एम की पावर ए होगा, हमने पावर अंदर लेके जानी है, तो एल माइनस ए और एल ये है, तो हमारे पास होगा एल माइनस ए प्लस बी, क्योंकि दो हैं एल पावर बी एल पावर ए, कंबाइन करेंगे हम बेसिस हैं सेम है, तो पावर हमारी ऐड हो जाएगी। टी हमारे पास कितने हैं, टी माइनस ए, और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे टी है, यस यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं कि एल हमारे पास तीन है, एक दो और तीन, एल पावर माइनस वन माइनस ए एल पावर बी एल पावर सी, तो और साथ में आ जाएगा प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है टी, तो एज इट इज टी को लिखेंगे हम, टी हमारे पास कितने हैं, टी पावर माइनस ए और टी पावर माइनस ए और टी पावर माइनस सी, तो माइनस सी हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम कंपेयर करते हैं यहां से कि एम पावर ए है, इधर एम पावर वन है, इधर एम पावर ए है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू वन, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं फोर का नाम दे देते हैं, ठीक है ना, इसको ये हमारे पास फोर आ जाएगा, या इसको छोड़ें इसको फोर का नाम दे दें, ये फोर हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर। अब हमारे पास आ रहा है जी ए हमारे पास वन आ गया, अब हम यहां पे ए की वैल्यू डालते हैं, ठीक है, हमारे पास इधर आता है माइनस टू इज इक्वल टू टी पावर माइनस ए माइनस सी, दिस इंप्लाइज दैट माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू, एंड देन वैल्यूज अगर हम डालें तो हमारे पास होगा माइनस ए की जगह हम वैल्यू डालते हैं, माइनस ए का मतलब हुआ वन माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन, दिस इंप्लाइज दैट माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वन कटेगा, दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू वन। सी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास वन, ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास वन, सी की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं एल को, तो एल एक साइड पे वन है, दूसरी साइड पे एल हमारे पास आता है जी एल पावर माइनस ए प्लस बी प्लस सी, दिस इंप्लाइज दैट वन इज ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, माइनस ए की जगह हम माइनस वन आ जाएगा, बी की जगह हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो बी प्लस सी की जगह हमारे पास हमने वैल्यू डालनी है वन इज इक्वल टू वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बी इज इक्वल टू वन, ए वन बी सी वन बी वन, तीनों की वैल्यू आ गई है, तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आएगा एफ डी इज इक्वल टू के ईटा की पावर ए वन है आर वन है और वी भी वन है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और हम यहाँ पे जो के है, अगर एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है इसकी वो 6 पाई होती है, तो
तो हम इसको यूं लिख लेते होते हैं कि एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज फॉर्मूला फॉर ड्रैग फोर्स।